हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शारिक रिजवी और आप देख रहे हैं इंग्लिश कोच। आज हम आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग 12th पास कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और इसके बाद वो कंफ्यूज होते हैं कि अब आगे क्या, अब आगे हम क्या करें, किस स्ट्रीम में जाएं, कहाँ पे कौन सा क्योंकि बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा कैरियर बेटर रहेगा, किस स्ट्रीम में जाया जाए, क्या किया जाए। ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं 12th के एग्जाम देने के बाद या फिर 12th का रिजल्ट आने के बाद। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि 12th के बाद आपके पास 500 ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं, और उनको करने के बाद जो है आपको आगे जो है बहुत ही अच्छा कैरियर आप लोगों के लिए होता है और एक आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि 12th के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है, क्या आप लोग कर सकते हैं, कौन सा ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्विस में जॉब में कैसे आ सकते हैं। ये सारे कैरियर ऑप्शन हमने बता दिए हैं आपको, तो इनका बस मैंने आप इसको इंडेक्स के तौर पे ले सकते हैं कि मैंने इनकी ग्लिम्पसेस दी है इनका। अगर आपको इसमें जो भी डिटेल चाहिए, जिस भी कोर्स के बारे में आपको जो भी डिटेल चाहिए, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम उसकी उस पे डिटेल में वीडियो बना के आपको दे देंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कौन कौन से आपके जितने भी कैरियर ऑप्शंस हैं 12th के बाद वो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत ही ज्यादा इससे फायदा आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। 11th 12th या आप 3 स्ट्रीम से करते हो, या तो साइंस से या आर्ट्स या फिर कॉमर्स से। ओके, तो साइंस मोस्ट स्टूडेंट जो है वो साइंस से करते हैं। तो साइंस में भी 2 पार्ट्स होता है। साइंस वाले भी जो है या तो पीसीएम लेते हैं या तो पीसीबी लेते हैं, यानी या तो फिजिक केमिस्ट्री मैथ्स होता है या फिर क्या होता है, फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि पीसीएम के बाद जो है कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है। अगर आपने पीसीएम के साथ 12th पास किया है तो फिर आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है। ओके, तो पीसीएम के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, ये हमने अपनी तरफ से कैटेगराइज कर दिया है इसको कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कौन कौन से कोर्सेज हैं। थोड़ा सा इनका डिफरेंस जान लीजिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज में ये थोड़े ज्यादा इसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं, और इसमें क्या होता है कि थोड़ा लेवल इनका हाई होता है। इसके अलावा जब प्लेसमेंट होता है तो सैलरी वगैरह भी इनका सैलरी का लेवल भी हाई होता है, जबकि नॉन प्रोफेशनल में ऐसा नहीं है। नॉन प्रोफेशनल आप इससे बिलो लेवल से, आप हर चीज में इससे बिलो ले सकते हैं। ओके, तो जो 12th पास होता है उसका पहली प्रेफरेंस क्या होती है, बीटेक करना। बीटेक यानी इंजीनियरिंग, बीटेक यानी इंजीनियरिंग। बीटेक और बी भी बोलते हैं यहाँ पे, बी भी एक कोर्स होता है, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो बीटेक या बी। ओके, बीटेक या बी होता है, ये 4 ईयर का कोर्स होता है। ओके, और ये बहुत सारे स्ट्रीम में हो सकता है, बहुत सारे जैसे कई सारे जो पॉपुलर स्ट्रीम है, जो एवरग्रीन स्ट्रीम मानी जाती है इंजीनियरिंग की, वो है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे बहुत सारी स्ट्रीम है, जैसे कि आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशंस। ये सारी जो स्ट्रीम्स हैं इनसे आप जो है और भी बहुत सारे, इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स में भी आपको यहाँ पे बीटेक में एडमिशन मिल जाता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं कि वो बीटेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। और इसमें बीटेक कैसे कर सकते हैं, बीटेक के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे आईआईटी जेईई का एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आईआईटी का होता है, उसके थ्रू इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो अपना खुद का भी एग्जाम लेते हैं, तो यहाँ पे बीटेक हो जाएगा। फिर बीटेक के बाद नेक्स्ट प्रोफेशनल डिग्री जो होती है वो बीआरक। बीआरक क्या होती है, ये 5 ईयर कोर्स है, बीआरक बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। और इसमें क्या होता है कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है और आप ड्राइंग में भी अच्छे हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप बीआर कर सकते हैं। आर्किटेक्ट आप देखते होंगे कि जो भी आजकल बहुत सारी चीजें बन रही हैं, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह या फिर शॉपिंग मॉल्स या और जो भी चीजें हैं, तो उनका एक पहले मैप बनाया जाता है, उनकी एक डिजाइन बनाई जाती है, और वो कौन करते हैं, वो आर्किटेक्ट करते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट जो लोग कर लेते हैं 5 ईयर का कोर्स वही लोग करते हैं, तो वो काफी प्रोफेशनल होते हैं और काफी इनकी डिमांड भी होती है, बहुत ही डिमांडिंग कैरियर ये भी माना जाता है, और ये भी आईआईटी के पेपर के थ्रू इसको भी किया जा सकता है, करते हैं लोग। ओके नाउ इसके बाद मान लीजिए कि आपने मैथ से किया 12, लेकिन अभी आपका थोड़ा सा माइंड मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है, मैथ आप क्विट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे बीबीए जो है कोर्स है, बीबीए 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 3 ईयर्स का होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एमबीए करना पड़ता है, क्योंकि बीबीए के बाद जो है आपको सफिशियंट मतलब सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं मिल पाती है, सेटिस्फैक्टरी सैलरी वाली जॉब नहीं मिल पाती है, तो लोग एमबीए करते हैं 2 ईयर्स का, और एमबीए भी बहुत सारे स्ट्रीम में होता है, और एमबीए करने के बाद आपको एक हाई पैकेज पे अच्छी जॉब मिल जाती है। अक्सर लोग बीटेक करने के बाद भी 2 साल एमबीए करते हैं, 2 साल का एमबीए करते हैं, बीटेक प्लस एमबीए। बीटेक के बाद एमटेक की भी यहाँ पे प्रोविजन है, बीटेक के बाद जो एमटेक भी होता है जो कि 2 ईयर्स का कोर्स है एमटेक, और इसमें भी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी आप लोग बीटेक के बाद कर सकते हैं, बट मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो बीटेक के बाद एमबीए को प्रेफरेंस देते हैं। एनीवे नेक्स्ट यहाँ पे बीसीए, बीसीए क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने में इंटरेस्टेड हो, तो बीसीए आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स हो सकता है, 3 ईयर का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और इसके बाद एमसीए होता है 2 ईयर्स का, और बीसीए प्लस एमसीए की सैलरी जो है वो काफी हाई होती है और काफी ज्यादा रिनाउंड जॉब मानी जाती है, आप इसकी बीटेक की इक्वेलेंट से ले सकते हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे मैंने नॉन प्रोफेशनल जो है कुछ डिग्रीज जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इनको नॉन प्रोफेशनल में डाला है, और नॉन प्रोफेशनल में डालने का मतलब सिर्फ इतना था कि इसको करने के बाद आपको जॉब वगैरह आसानी से नहीं मिलती है, या आप कहीं आपको इसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ता है अगर आपको जॉब करनी है तो, या सर्विस करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं वो बीटेक नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बीएससी में एडमिशन लेते हैं। बीएससी कई तरीके से, वो 3 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये बीएससी, और बीएससी में कई सारे अलग अलग जो है स्ट्रीम है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से भी लोग बीएससी करते हैं, एग्रीकल्चर से करते हैं, या फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ्स, बहुत सारे स्ट्रीम से आप जो है बीएससी कर सकते हैं, कुछ लोग नॉटिकल साइंस से भी बीएससी करते हैं। ओके नाउ बीए, उसके बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बीएससी के बाद एमएससी करने का भी, जो लोग जैसे आगे पढ़ना चाहते हैं बीएससी के बाद तुरंत उनको जॉब मिलनी नहीं है, सो वो एमएससी करते हैं, एमएससी करने के बाद भी आप टीचिंग लाइन वगैरह में या रिसर्च वगैरह में आगे जा सकते हैं, जैसे कि आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, और काफी लॉन्ग टर्म स्टडी हो जाती है बीएससी के बाद, और खाली आपको बीएससी करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है ये चीज, इसलिए इसको नॉन प्रोफेशनल में डाला गया। बीए में कुछ लोग स्विच कर देते हैं, ऐसा होता है ना कि मैथ्स उनको बहुत अच्छी लगती है, या मैथ्स किसी कारणवश ले लेते हैं 12th तक, और उसके बाद जो है उनका मैथ्स से ध्यान हट जाता है और वो मैथ्स को स्विच करना चाहते हैं वो कैरियर, और वो अब आर्ट्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये भी 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा आसानी से अवेलेबल है, तो बीए करते हैं। बीए बहुत सारे स्ट्रीम में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा कई सारी लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं बीए, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, ये सब इसमें भी कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स में बीए कर सकते हैं, यानी बीए करने में बहुत ही ज़्यादा जो है आपको ये आसान होता है, और बाकी सारे कोर्सेज या बाकी सारे डिग्रीज के कंपैरिजन में बीए करना बहुत आसान होता है। बीए के बाद लोग यूजली एमए करते हैं, एमए के बाद पीएचडी करते हैं, और इस तरीके से वो और ज़्यादा जो है उनके कैरियर के जो स्कोप हैं वो बढ़ते जाते हैं। नाउ बीकॉम, बीकॉम कॉमर्स साइड वाले यूजली करते हैं बीकॉम, लेकिन बीकॉम करने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, बीकॉम जो है वो एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट भी पास होके और बीकॉम कर सकता है, तो बीकॉम 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और बीकॉम के बाद एमकॉम होता है, उसके बाद फिर आगे जो है जो भी पढ़ना चाहे पीएचडी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें हो गई आपकी जो कि ये प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल है। ओके नाउ एक चीज और है, बीबीए और बीसीए को भी हम इसी में डाल सकते हैं। यूजली इसमें जॉब मिल जाती है बीबीए बीसीए करने के बाद, बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इसलिए बीबीए और बीसीए के बाद दो जो है एमबीए और एमसीए करना मस्ट रहता है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक और कैरियर, बहुत ही अच्छे कैरियर है जो कि लॉ का है, एडवोकेट या फिर जज बनने के लिए जो लोग करते हैं एलएलबी, ओके बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 12th के बाद अगर आपको लॉ करना है, एलएलबी करना है 12th के बाद, तो 5 ईयर का कोर्स होता है। यानी अगर आप 12th के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको 5 ईयर होगा, 5 ईयर्स का कोर्स होगा। यहाँ पे 5 ईयर का प्रोग्राम होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा जो इसके साथ होगा। ओके और अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो ये 3 ईयर का होगा, उसके बाद लोग एलएलएम भी करते हैं मास्टर ऑफ लॉ जो कि 2 ईयर्स का होता है, और फिर जो है इसके आगे जो है बार एसोसिएशन में रजिस्टर कराना और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये तो हो गया एक जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है अभी तक जो आप पढ़ते चले आ रहे हो। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा स्कोप है, बहुत ही ज्यादा कैरियर है, उनके बारे में बात करते हैं, कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फंटास्टिक कैरियर्स के बारे में जो कि आप 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं।